हेलो फ्रेंड्स, आज हम बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। बायो मॉलिक्यूल्स, इसका पहला टॉपिक है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। इसके केमिकल कंपोजिशन को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं? बायोमोलिक्यूल्स क्या है? कार्बन कंपाउंड फॉर्म लिविंग टिश्यू। जो कार्बन कंपाउंड लिविंग टिश्यू का फॉर्मेशन करता है उसे हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप एक साथ जुड़ा होता है तो उस ग्रुप को हम अमीनो एसिड कहते हैं। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा है? कार्बोक्साइल एसिड सीडिक होगा तो उससे हम उसका फॉर्म है ग्लूटामिक एसिड एसिड। और बेसिक में है लाइसिन और तीसरा फॉर्म है न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन है? वेलिन। लिपिड्स दो प्रकार के होते हैं, पहला ग्लिसरॉल और दूसरा फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और दूसरा फैटी एसिड। फैटी एसिड में स्ट्रिपाइड ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है। फैटी एसिड में स्ट्रिपाइड ग्लिसरॉल रोल प्रेजेंट होता है, जिसके आधार पर इसको थ्री पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन सा? मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। नाइट्रोजनस बेस बेस प्लस शुगर मिल करके
न्यूक्लियोसाइट, न्यूक्लियोसाइट का फॉर्मेशन करता है, न्यू साइट का, अगर न्यूक्लियोसाइट में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेंगे प्लस तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल कंपोजिशन को पढ़ा, और हमारे आगे आने वीडियो लेक्चर में हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को पढ़ेंगे। तो हमारे आगे आने वीडियोज को देखने के लिए एनसीईआरटी जोन से जुड़े रहें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोज की जानकारी आपको मिल सके, और प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।